चर्चा में क्या होता है कि जो चार पांच व्यक्ति होते हैं, 3 से लेके 6 व्यक्ति तक होते हैं। मान लीजिए आप, जब मान लीजिए यहाँ पे जब आप पढ़ रहे होते, तो हम एक पैनल डिस्कशन के लिए हम एक पूरा एक सेशन क्रिएट करते, जिसमें तुम लोगों के बीच से ही 3-4 एक्सपर्ट बना के और बाकी सब लोग बैठे रहते, तो उसमें हम पैनल डिस्कशन कराते। जैसे कि टीवी डिबेट में आप देखते होंगे, न्यूज डिबेट में वो पैनल डिस्कशन। तो क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होता है उसमें, जो उसमें भाग ले रहा होता है, वो अपना अपना दृष्टिकोण किसी भी विषय पर प्रस्तुत करता है। और जो पैनल डिस्कशन होता है वो पहले से ही डिसाइड होता है उसका विषय। और दूसरी चीज है कि उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अध्यक्ष होता है, एक जो है, या ये कह लीजिए कि एक जो पूरे के पूरे पैनल को संचालित करता है, ताकि जो जितने भी लोग हैं, या तो उसको ये कह लीजिए कि एक मॉडरेटर जिसको कहेंगे, या जो अध्यक्ष है, या कोई भी उसमें कह सकते हो, तो एक जो पूरे के पूरे पैनल को चलाता है। अगर मान लो उसमें अगर कोई नहीं होगा, तो पैनल फिर तो कुछ भी कोई भी बोलने लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो अच्छी गुणवत्ता और अच्छे अनुभव वाले व्यक्तियों को ही पैनल में चुना जाता है, और कोई भी प्रकरण या कोई भी विषय या कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी न्यू ट्रेंड, मान लो योग विज्ञान में कोई भी घटना किसी भी विषय को लेके या जो भी विषय होते हैं या जो समस्या होती है, वो पहले से ही डिसाइड होती है। और दूसरी बात कि ये जितने भी, ये जैसे कोई भी जब बात करेंगे, जब पैनल में पैनल का जो संचालक होता है, वो जो है ये डिसाइड करेगा कि कौन कहाँ बैठेगा, किस तरह से उसकी सीटिंग अरेंजमेंट होगी। इसके बाद वो क्या करेगा, वो सभी का परिचय देगा, जितने भी पैनल के लोग हैं उनका परिचय देगा, और जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, जो विषय है, उस विषय से भी सभी सदस्यों को वो परिचित कराएगा कि आज ये इस मुद्दे पे डिस्कशन किया जाना है। और पैनल में जितने भी लोग होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं, वो सब अपना समान योगदान दिखाएंगे, और कोई भी ऐसा नहीं है कि वो अपना पैनल में प्रभुत्व दिखाएगा। प्रभुत्व का मतलब है, ऐसा नहीं है कि वो पूरे पैनल को हाईजेक करके केवल अपनी ही अपनी बातें कहेगा, ऐसा ना। और दूसरा, पैनल जो है वो हमेशा अपने मुद्दे पे ही रहे, मुद्दे से भटके ना, और जो समय निर्धारित किया गया है उस समय पर ही वो पैनल जो है अपनी चर्चा को समाप्त कर ले। अब क्या होता है कि जो सामान्य चर्चा होती है, अब ऑडियंस भी होते हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि केवल बोलने वाले ही होते हैं। तो जो ऑडियंस है, बीच बीच में क्या होता है कि श्रोताओं का जो है, ऑडियंस का भी क्वेश्चन को पूछना चाहिए, उनको भी, उनके भी प्रश्न कुछ होते हैं, तो उन प्रश्नों को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि तो प्रश्नों से क्या होता है कि जो ऑडियंस बैठा है आपके सामने सुन रहा है, तो उसके मन में भी कोई आपकी आपकी बातों से उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं, तो उन प्रश्नों का समाधान करना भी जरूरी है। दूसरा, ये जो संचालक होता है, इसको ये पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति जो श्रोता है, कौन व्यक्ति प्रश्न पूछना चाहता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसकी उसके जो एक प्रकार से बॉडी लैंग्वेज है, ये बता देती है कि कौन व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। और अंतिम में जो प्रस्ताता होता है, या मॉडरेटर होता है, या जो संचालक होता है, उसको अंतिम में क्या करना चाहिए, जो भी निष्कर्ष है, जो भी सार है, वो सभी के सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए। और इसके बाद क्या करना चाहिए, पैनल डिस्कशन को समाप्त करने की घोषणा करना चाहिए, और सभी
सभी का धन्यवाद करना चाहिए। अब इससे होता क्या है, जो पैनल चर्चा से एडवांटेज क्या है, क्या होता है कि किसी भी विषय पर प्रतिभागियों को, जो भी पार्टिसिपेंट्स उसमें हैं, उनको सभी जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके दृष्टिकोण को जानने का अवसर मिलता है। मान लीजिए जैसे हम हैं, चार चार लोगों को किसी एक टॉपिक पे बुला के पैनल डिस्कशन करा दें, तो पैनल डिस्कशन में ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जब एक विषय का एक्सपर्ट होता है, और चार लोग जब एक ही विषय के एक्सपर्ट होते हैं, तो हमें चार चार जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी नॉलेज एक साथ मिल जाती है किसी भी एक विषय। तो एक प्रकार से ये एक प्रकार से हमारे ज्ञान अभिवर्धन का ये अवसर होता है। और जो उलझे हुए मुद्दे हैं और जो समस्याओं को हल करने की इसमें हमें सहायता मिलती है, हमारे भी जो कंफ्यूजन्स हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं इससे। और पैनल के विशेषज्ञों का जो विशिष्ट ज्ञान है उसका उपयोग करना भी संभव हो जाता है, क्योंकि हम उसमें प्रश्न भी पूछ लेते हैं। प्रतिभागियों की किसी विषय पर रुचि अगर जागृत करनी है, जैसे पार्टिसिपेंट्स, जब क्या होता है कि वो जब अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से सुनता है, तो उसमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, जो भी पार्टिसिपेंट्स है या जो भी स्टूडेंट्स है। दूसरा, वो बहुत क्लियर तरीके से जो भी विषय है, जो भी विषय वस्तु है, उसको वो सीखने की कोशिश करता है, या ये कह लीजिए कि जो भी नॉलेज उस समय दी जा रही होती है वो उसको एडॉप्ट करने लगता है, या उसको वो समझ में आने लगती है। क्योंकि सभी के जो भी जो पैनलिस्ट होते हैं उन उनके समझाने का तरीका सबका डिफरेंट होता है, तो हमारा पता नहीं किस व्यक्ति से हम ज्यादा समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, या जो पढ़ाते हैं तो हमके हमारे ऊपर से चली जाती है। ये सबके साथ नहीं होता। मान लीजिए चार बच्चे हैं क्लास में, तो तीन बच्चों को समझ में आ रहा है, एक को नहीं आ रहा है, ये संभव, ऐसा होना संभव है। तो क्या होता है, जब वो पैनल होता है, पैनल में चार टीचर होते हैं, तो वो सभी का इंटरेस्ट की बातें सारे टीचर कर लेते हैं, तो जो इन्वॉल्व नहीं है वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरा ये है कि हमें हमारे अंदर जब हम पैनल डिस्कशन को सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी सवाल पैदा हो जाते हैं, तथ्यों का विश्लेषण करने की क्षमता हमारे अंदर विकसित हो जाती है, तार्किक क्षमता भी हमारे अंदर विकसित होती है, क्योंकि विश्लेषण जब आदमी करता है तो तर्कपूर्ण विश्लेषण करता है ना, तो उससे जो है एक तरीके से ब्रेन का भी डेवलपमेंट हो जाता है, और हमारे एक हमारा एक निश्चित दृष्टिकोण पे या निश्चित निष्कर्ष पे हम पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। अब क्या होता है कि पैनल डिस्कशन के इतने सारे तो बेनिफिट हैं, एडवांटेज भी हैं, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस ये है कि अगर मान लीजिए जो मॉडरेटर है, जो संचालक है, अगर वो ठीक से भूमिका नहीं निभा पाया, तो पैनल की जो चर्चा है वो निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि एक ही आदमी फिर उसमें हावी हो जाएंगे, या दो आदमी हावी हो जाएंगे, तीसरे की बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर जो मॉडरेटर है वो डोमिनेंट नेचर का नहीं है, या वो लीडरशिप उसमें नहीं है, तब ये मुश्किल खड़ी हो जाती है और वो पैनल डिस्कशन खराब हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल्स में वो आपस में लड़ते रहते हैं, तो वही बिना निष्कर्ष पे ही जो चीजें खत्म हो जाती है। पैनल के जो विशेषज्ञ हैं उनका जो है एक प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि जो पैनल डिस्कशन हो रहा है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो पार्टिसिपेंट्स हो सकता है कि वो जो है बोरियत भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनका कम इन्वॉल्वमेंट होता है। जो भी लोग सुन रहे होते हैं कहीं ना कहीं उनके विचार जो है वो दबते हैं, क्योंकि सभी सभी जितने भी लोग बैठे हुए हैं अधिकांश को क्वेश्चन पूछने का अवसर नहीं मिल पाता है, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं वो निराश होते हैं। ये इसकी सीमाएं हैं। पैनल के सदस्य विशेषज्ञ हों तो अच्छे, कभी कभी क्या होता है कि विशेषज्ञ होना एक अलग बात है और एक संप्रेषक होना अलग बात है। बहुत सारे संप्रेषक का मतलब है कि जो तथ्यों को, विषय वस्तु को जो रोचक ढंग से प्रस्तुत कर दे, जो मतलब समझ में आ जाए हमें,
और एक ज्ञानी है, लेकिन वो रोचक तथ्यों को रोचक तरीके से तथ्यों को नहीं रख पाता है, तो फिर जो है ऊब आने लगती है और लोग जो है सोचते हैं कि कब ये खत्म हो, ये उबाऊ भी हो सकता है। दूसरी चीज है कि ये अधिक अधिक खर्चीली खर्चीली विधि है ये, क्योंकि हम मान लीजिए अगर हम आपको पैनल डिस्कशन रखें तो पैनल डिस्कशन में एक्सपर्ट को बुलाना, उनका उनका टीए डीए देना, ये थोड़ा सा खर्चा हो जाता है, तो इसलिए ये खर्चीली विधि। और क्या होता है कि जब कभी कभी क्या होता है कि पैनल डिस्कशन करते समय विवाद हो जाता है, तो विवाद हो जाता है तो फिर वो जो है समय से पूर्व ही समाप्त करना पड़ता है, और उसकी वजह से जो है धन की हानि भी होती है। तो इस प्रकार से ये पैनल डिस्कशन है। दूसरा एक जो विधि है कि पैनल डिस्कशन यहाँ समाप्त होता है, दूसरी जो विधि है वो है समूह चर्चा, जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी विधि है जो एक छोटे समूह में प्रयुक्त की जा सकती है। जब चर्चा चर्चा जो है, चर्चा क्या कहते हैं, चर्चा का मतलब है समूह चर्चा। चर्चा उस समय घटित होती है जब व्यक्ति समूह में आमने सामने की स्थिति में एकत्रित होते हैं और मौखिक अंतरक्रिया के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, अथवा किसी समस्या के समाधान के लिए साझेदारी पूर्वक निर्णय निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। ये भी हो सकता है। दूसरा, इस प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले समस्या को परिभाषित करते हैं, फिर विश्लेषित करते हैं और संभावित समाधानों का मूल्यांकन करते हैं, और एक प्रकार से उच्च गुणवत्ता पूर्ण निर्णय को क्या करते हैं, सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। और जो ग्रुप डिस्कशन होती है, वो जितने भी उसके सदस्य होते हैं वो सब उसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो कुछ चर्चा जो ग्रुप डिस्कशन है उसकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे ये जो समूह चर्चा होती है वो इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहभागिता होनी जरूरी है। एक ही व्यक्ति ग्रुप डिस्कशन नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। या ये कह लीजिए कि आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो सब किसी भी विषय को लेके अपना ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं अपने ज्ञान अभिवर्धन के लिए। जैसे अगर मान लीजिए आप लोग होते तो हम एक छोटा छोटा ग्रुप बना देते यहाँ पे, हम जो पहले करते आए हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी, दो तो तीन प्रयोग हम हमेशा करते हैं। उसमें ये है कि जितने भी लड़के हैं उनका 5 या 6 लोगों का एक हम ग्रुप बना देते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, माइक्रो टीचिंग का प्रैक्टिस करते हैं। माइक्रो टीचिंग का मतलब है, जैसे क्या है, जैसे हम आपको एक सुझाव दें, जैसे जब कोई क्लास नहीं होती है तब आप क्या करिए, आप खुद ही जो है गूगल मीट पे लिंक क्रिएट करिए और जो आपके खास दोस्त हैं उनको आप शेयर करिए। जब आप शेयर कर लेते हैं तो इसके बाद क्या करिए कि फिर जो जो टॉपिक्स हैं आपके विषय से संबंधित, उन पे आपने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, एक टॉपिक डिसाइड करिए रोज और सब उसके ऊपर पढ़ के आएंगे। फिर सब लोग जो है उसका प्रेजेंटेशन करेंगे, और जब कोई व्यक्ति प्रेजेंट कर रहा होता है तो बाकी लोग क्या करेंगे, उसके उसकी फीडबैक लिखेंगे कि उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसकी जो शब्दों का चयन है, उसकी जो भाषा है, या उसकी जो रोचकता है, या उसकी जो क्लियरिटी है वो कितनी अच्छी है, तो उसको 10 में से हम मार्क देंगे। तो जब 5 लोग आपको फीडबैक देंगे और किसी एक पॉइंट को वो पॉइंट आउट करेंगे कि तुम्हारी ये कमी है, तो फिर वो क्या करेगा, वो बच्चा वो अपनी कमी को पूरा करने के लिए उसके लिए अभ्यास करेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपकी बहुत सारी कमियां आपको पता भी चल जाएंगी, और बहुत सारी कमियां जब पता चल जाएंगी तो आप उनको दूर करने का प्रयास भी करेंगे। तो इस प्रकार से माइक्रो टीचिंग का प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। टॉपिक बहुत छोटे होना चाहिए, 5 5 मिनट का, 5 5 7 7 मिनट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इतना छोटा टॉपिक होना चाहिए। मान लीजिए जैसे आसन को ही ले लीजिए, सब लोग जो है दो दो आसनों की विधि, लाभ हानि और सावधानियों के बारे में पढ़ के आए, तो वो सब अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे, तो पता चलेगा कि
मान लीजिए तीन आसनों का भी आपने डिस्कशन किया, तीन आसनों का प्रेजेंटेशन किया मान लो सभी लोगों ने मिलके, तो वो आसन की विधि आपको याद हो जाएगी, उस आसन के लाभ आपको याद हो जाएंगे, उस आसन के प्रोपोर्शंस आपको याद हो जाएंगे, बेनिफिट्स आपको याद हो जाएंगे। पढ़ेगा एक, लेकिन लाभ मिलेगा सारे ग्रुप को। तो ये एक चर्चा है, समूह चर्चा का एक जो है बड़ा एडवांटेज। दूसरा ये है, दूसरी विशेषता ये है कि जो भी समूह के सदस्य होते हैं वो एक ही कक्ष में होते हैं। और आजकल क्या हो गया है कि जो संचार के कारण हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे गूगल मीट हो गई, और भी जैसे जूम हो गया, और भी तमाम आजकल ऐप आ गए हैं जिनकी वजह से हम, जैसे स्काइप पे है, पिछली बार हमने स्काइप पे ही क्लास ली थी कुछ। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अब हम दूर दूर नहीं रह गए हैं, कोई भी जो है चर्चा हम कर सकते हैं। तो चर्चा जो है एक प्रकार से संप्रेषणात्मक होती है, मतलब कम्युनिकेटिव होती है। जब आप किसी भी चर्चा में भाग लें तो सभी जो है जितने भी लोग हैं उनमें कोई ना कोई बोले, ऐसा ना है कि सब सुन रहे हैं, क्योंकि इंटरेक्शन करना इसमें जरूरी है। दूसरा ये है कि चर्चा उद्देश्यपूर्ण होती है, जो भी व्यक्ति ग्रुप डिस्कशन का, जो जैसे हम पैनल में एक मॉडरेटर बनाते हैं, वैसे ही ग्रुप डिस्कशन में भी एक, जैसे टीचर है मान लीजिए हम ही हैं, अगर हम कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो फिर हम अपने हिसाब से उसको चलाएंगे। हम क्या करेंगे कि आपके सामने कुछ मुद्दे रखेंगे, या ये कह लीजिए कि हम आपको पहले बताएंगे कि आप इस विषय पे पढ़ के आना, जब आप उस विषय को पढ़ के आओगे फिर हम उसका थोड़ा सा प्रस्तावना बताएंगे, और इसके बाद में कुछ सवाल जनरेट करेंगे कि ये इस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह से। फिर क्या होगा कि जो तुम पढ़ के आए हो, जो तुम्हारा दृष्टिकोण है, वो प्रस्तुत करने लग जाओगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। फिर कभी कभी क्या होता है कि बच्चे आपस में भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई ये तुमने जो पढ़ा है ये गलत पढ़ा है, तो फिर वो उसका काउंटर करता है कि नहीं ये ठीक है। फिर ये जो है चर्चा एक तरीके से क्या होती है, टॉपिक तो उछल जाता है, और टॉपिक उछलने के बाद फिर क्लैरिफिकेशन होने लगता है, फिर रिफाइन होने लगती है नॉलेज। तो कहने का मतलब है जब एक बार विषय आ जाता है तो सभी के सामने फिर क्या होता है कि क्रमिक रूप से जो है जिसके मन में जो विचार आता है उसके प्रति, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ भी बोल देना है, विषय से संबंधित ही बोलना है, और जो भी टॉपिक है उसी से रिलेटेड हमें चर्चा करनी है। तो ग्रुप डिस्कशन किसी समस्या के समाधान के लिए भी होता है, किसी विषय को समझने और जानने के लिए भी हो सकता है, और किसी थ्योरी को, प्रिंसिपल को, या किसी भी प्रैक्टिकल को, नॉलेज को शेयर करने के लिए भी हो सकता है। तो जो ग्रुप डिस्कशन है वो ग्रुप डिस्कशन जो है नॉलेज को बढ़ाने का एक सबसे अच्छा तरीका है। तो जो जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो होता है कि जिसमें टीचर केंद्रीय भूमिका में होता है, और दूसरा जो होता है वो विद्यार्थी केंद्रीय भूमिका में होता है। जो टीचर सेंटर्ड डिस्कशन होता है वो इस प्रकार का होता है कि सारा का सारा ध्यान टीचर पे जाता है, फिर क्योंकि ज्ञान का जो मुख्य स्रोत क्या है वो टीचर है, और अध्यापक क्या करता है, छात्रों को प्रश्न करने का अवसर प्रदान करता है ताकि उनकी शंकाओं को वो दूर कर सके। अध्यापक जो है वो क्या करता है, पूर्व में तय प्रश्न विद्यार्थियों से करता है ताकि चर्चा सफल हो सके, कि जब वो विद्यार्थियों से करेगा तो विद्यार्थी उसका जवाब देंगे। इस प्रकार से वो एक प्रकार से ये टीचर ओरिएंटेड या टीचर सेंटर्ड डिस्कशन। स्टूडेंट सेंटर्ड डिस्कशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं और वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, और अध्यापक जो है वो एक प्रकार से उसकी जो भूमिका है वो कम होती है। प्रश्न टिप्पणियां जो भी हैं वो एक प्रकार से विद्यार्थी जो है आपस में करते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट सेंटर्ड डिस्कशन है वो क्या करते हैं, विद्यार्थी अपने
अपना पढ़ के आते हैं और अपने सोर्स के आधार पे, अपने रिसोर्स के आधार पे, अपने रेफरेंस के आधार पे वो जो है खुली चर्चा होती है उसमें, तो उनका उनका उत्तर, समस्या का समाधान, वो सब जो है विद्यार्थी जो है आपस में करते हैं। अगर कहीं मान लीजिए विद्यार्थी भटक रहे हो तो तब टीचर जो है उनको एक सही गाइडेंस या सही दिशा में ले जाता है, और अगर कहीं उलझते हैं तो फिर जो है टीचर जो है उनका उनको एक तरीके से क्लेरिफिकेशन दे देते। अब ये जो समूह चर्चा है, समूह चर्चा के जो उद्देश्य हैं वो क्या है? एक प्रकार से समूह चर्चा के द्वारा विद्यार्थियों की जो क्रिटिसिज्म है या जो क्रिटिक्स है या जो क्रिटिसाइज करने वाली जो कैपेसिटी है उसको डेवलप किया जाता है, क्योंकि आलोचनात्मक या किसी भी चीज पे अपने तथ्य रखना, किसी भी चीज पे अपने विचार रखना है ना, और या किसी चीज का समर्थन करना, ऐसा नहीं है कि हर चीज का खंडन करना, हर चीज की आलोचना करना या समालोचना करना, ये मकसद नहीं। मकसद ये है कि वो उद्देश्यपूर्ण या सार्थक या ये कह लीजिए सब्जेक्ट का क्लेरिफिकेशन, वो उसका एक प्रकार से तर्कों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर ही अपनी बात रखना। दूसरा है कि विद्यार्थियों की जो सहभागिता है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर इन्वॉल्व होगा तो उसकी ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और ये एक प्रकार से लोकतांत्रिक तरीका है, और ग्रुप डिस्कशन में सभी स्टूडेंट्स को समान अवसर मिलता है, क्योंकि सभी एक दूसरे के चेहरे देख रहे होते हैं, कोई छोटा ना कोई बड़ा। इस तरह से दूसरों को सुनना और स्वयं का मूल्यांकन करना और तर्कों का मूल्यांकन करना और खुद के एक प्रकार से खुद की जो दृष्टिकोण है उसका विकास करना, तो ये सब जो सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें केवल ग्रुप डिस्कशन से ही आ जाती। दूसरा, व्यक्ति का जो भावनात्मक, विचारात्मक और व्यवहार भी विकसित होता है, बहुत सारे जो जटिल ज्ञान है वो भी उसको समझ में आने लगता है ग्रुप डिस्कशन से, क्योंकि मान लीजिए जिस विद्यार्थी को जो चीज समझ में नहीं आई होगी तो वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन करेगा तो सारे विद्यार्थी जो है उसके समाधान के लिए बोलने लगेंगे, और जब कोई एक एक बोलता है, एक समाधान दे देता है, तो दूसरा उससे अच्छा समाधान सुझा सकता है, तीसरा अच्छे तर्कों के साथ आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है, और कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सर्वसम्मति के होते हैं तो उन पे भी जो है चर्चा हो जाती है। क्या होता है कि विद्यार्थियों की जो अभिवृत्ति है, जो एटीट्यूड है, और उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए भी व्याख्यान विधि से ये ग्रुप डिस्कशन ठीक, साइकोलॉजिकल बेसिस पे ये ग्रुप डिस्कशन बहुत ही अच्छा है, और इससे क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन डेवलप होता है, बोलने की क्षमता विकसित होती है, एक अच्छा स्पीकर बन जाता है व्यक्ति अगर वो चर्चा ग्रुप ग्रुप डिस्कशन में भाग लेता है। और ग्रुप डिस्कशन इसके कई सारे लाभ भी हैं, जैसे जो हमने अभी कुछ इसकी सीमाएं भी हैं, जैसे मान लीजिए लाभ जो है वो ये हैं कि सभी जो विद्यार्थी है वो एक तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, उनके तर्क और उनकी आलोचनात्मक या क्रिटिसाइज या एक तरीके से तार्किक क्षमता, ये सब उनकी बढ़ती है, लीडरशिप क्वालिटी उनकी बढ़ती है। दूसरा क्या होता है कि जब चर्चा व्यक्ति करता है तो उसके कभी कभी एग्रेसिव नेचर के व्यक्ति होते हैं, तो वो जब एग्रेसिव हो जाते हैं तो सब लोग जो है उसकी निंदा करते हैं कि ये तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, तो जब सब लोगों के द्वारा जब किसी का फीडबैक दिया जाता है तो वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश भी करने लगता है, तो इस प्रकार से व्यवहार सौम्य और सरल बनता है। क्या होता है कि विद्यार्थी जो है स्वतंत्र रूप से अपना चिंतन विकसित कर सकते हैं,
स्वतंत्र चिंतक हो सकते हैं, स्वतंत्र विचारक हो सकते हैं, किसी भी विषय पे स्वतंत्र रूप से वो विचार कर सकते हैं, और उनके सोर्सों को या जो ज्ञान के स्रोत हैं उनको भी वो स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। एक प्रकार से उसकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि वो क्रिएटिव थिंकिंग हो जाती है। तो क्रिएटिव थिंकिंग जब होगी तो बहुत सारी चीजें उसके स्वतः ही उसके अंदर से ज्ञान प्रकट होने लगेगा। दूसरा ये है कि एक प्रकार से विद्यार्थी लोकतांत्रिक व्यवहार सीखने लगता है, फिर वो मैं मेरे में नहीं रहता या वो वाइज्ड नहीं होता, वो फिर सबके सामूहिक हितों की चर्चा करता है। दूसरा, समूह में अपना दृष्टिकोण रखने के लिए भी उसके अंदर वो कला कौशल विकसित हो जाता है कि दूसरों को समझाने के लिए हम किस तरह से अपनी बात को रखें। दूसरा, चर्चा के द्वारा जो आमने सामने जो चर्चा होती है उससे संबंधों का विकास होता है, और एक प्रकार से मनुष्य जब चर्चा करता है तो उसके संबंध जो है और भी बढ़ने लगते हैं। कुछ हानियां भी हैं, कुछ हानियां ये है कि ये एक प्रकार से धीमी गति से चलती है, और धीमी गति से चलने के कारण कभी कभी हो सकता है कि इससे हमें लाभ कम मिले। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि चर्चा में कुछ जो स्टूडेंट्स हैं या कुछ सदस्य हैं वही अपना प्रभुत्व दिखाते हैं, और जिससे सभी सदस्यों की सहभागिता जो है उससे वो वंचित हो जाते हैं। तो जो डोमिनेंट नेचर के स्टूडेंट्स हैं वो हाईजेक कर लेते हैं पूरे ग्रुप डिस्कशन को, और बाकी स्टूडेंट्स को जो है मौका नहीं मिल पाता, तो ऐसा कभी कभी होता है, तो ये इसका डिमेरिट्स है। दूसरा ये है कि ग्रुप डिस्कशन में विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है, क्योंकि उनका मूल्यांकन किस आधार पे करें। मूल्यांकन तो किया जा सकता है लेकिन थोड़ा सा कठिन होता है। दूसरा ये है कि शिक्षक और विद्यार्थी, विद्यार्थी एवं जो एक प्रकार से इनके आपस में सहयोग की भावना जो है वो कहीं ना कहीं उससे बाधित होती है, क्योंकि अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए इसमें भाव विकसित हो जाता है कभी कभी, तो वो थोड़ा सा दिक्कत करती है। कभी कभी क्या होता है कि जो चर्चा है वो अपने मूल बिंदु से भटक जाती है और कहीं दूसरी ही चर्चाएं होने लगती है, तो ये भी इसका एक डिमेरिट है। क्या होता है कि कोई कोई विद्यार्थी जब किसी चीज को वो एक तरीके से डिनाई भी कर सकता है, या किसी को कभी कभी जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा होता है तो किसी विद्यार्थी को हो सकता है कि कोई विद्यार्थी हर्ट हो जाए या कोई विद्यार्थी हीन भावना से ग्रसित हो जाए, क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, तब वो हो सकता है कि हीन भावना से ग्रसित हो जाए कि यार मैं बोल नहीं पा रहा हूँ या मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, वो आहत भी हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि समान रूप से सभी लोग जो है चर्चा में भागीदारी नहीं करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी कभार ही अपनी बातों को कहते हैं, बल्कि वो सुनते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ये ग्रुप डिस्कशन मेथड जो है वो बहुत ही एक प्रकार से इफेक्टिव मेथड है, और इसका प्रयोग हमको अपने उसमें करना चाहिए। तो आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर किसी